हम VRM में पहुंच चुके हैं। VRM जैसे कि ये देख पा रहे हैं, आप जूम करके देख रहे हैं, एफलेस स्मिथ एटॉक्स मिल 35, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है वर्टिकल रोलर मिल, ये VRM का फुल फॉर्म है ना। और यहाँ पे बेल्ट कन्वेयर लगे हैं, बेल्ट कन्वेयर से लाइमस्टोन हॉपर में आता है, और इधर भी एक देखिए बेल्ट कन्वेयर और होगा, ये ब्लू कलर का जो तीन सेट लगा है, यहाँ पे भी एक बेल्ट कन्वेयर है। इस बेल्ट कन्वेयर से जो है मटेरियल जो है फीड होता है, हॉपरों में फीड होता है, फिर हॉपर से बेल्ट फीडर में आता है, बेल्ट फीडर से यहाँ फीडिंग बेल्ट कन्वेयर लगा हुआ है। ऊपर में बेल्ट कन्वेयर है, यहाँ से सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ से सूट दिखाई दे रहा है जो मिल में एंट्री करता है, ये यहाँ पे है, सूट दिखाई दे रहा है। यहाँ से मिल में मटेरियल आता है, मिल में मटेरियल आने के बाद मटेरियल को ग्राइंड किया जाता है, और ग्राइंड करने के लिए इसमें रोलर और टेबल लगी हुई है जो कि दोनों मूवेबल है ना। और ये मोटर लगा हुआ है, मोटर के जरिए मूव कराया जाता है, और हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम का काम जो है एयर प्रेशर के जरिए उसे प्रेस करता है, रोलर को प्रेस करता है, ठीक है। तो मटेरियल जो है ग्राइंड होता है, और इसमें 90 mm और 212 में रेजिड्यू मेंटेन किया जाता है ना। और 90 mm में 18 से 20 μm और 212 में 3 से 4% तक रेजिड्यू रखा जाता है। और आप लोग को यहाँ पे दिखाएंगे कि मिल में मटेरियल जो आता है, अभी यहाँ पे कुछ रह गया था, जैसे ये लोकेशन में ये मिल में मटेरियल यहाँ आता है, लेकिन इससे पहले मटेरियल बकेट एलिवेटर लगा हुआ है। यहाँ पे बकेट एलिवेटर दिखाया नहीं गया है, ये बकेट एलिवेटर लगा हुआ है। बकेट एलिवेटर से मिल फीडिंग बेल्ट कन्वेयर में आता है। बेल्ट कन्वेयर में आया, फिर बेल्ट कन्वेयर के जरिए मिल में आता है। और इसमें से एक सीए फैन लगा हुआ है, सीए फैन को फुल फॉर्म है सर्कुलेटिंग एयर फैन, ठीक है। और यहाँ पे लुब्रिकेशन सिस्टम लगे हुए हैं, आगे जाके देखेंगे, यहाँ पे नहीं है इसलिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ये जैसे हम देख पा रहे हैं, ये VRM लुब्रिकेशन सिस्टम का यहाँ पे रूम है, यहाँ पूरे इस रूम में जो है पूरा सिस्टम लगाया गया है, ये लुब्रिकेशन सिस्टम, ये गियर बॉक्स है, यह पूरा सिस्टम लगा हुआ है। GB ये लिखा हुआ है, GB मतलब गियर बॉक्स लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। और ये रोलर लुब्रिकेशन सिस्टम हो गया, यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम लगा है, और इस टैंक में जो है ग्रीस रखा हुआ है, और ग्रीस के जरिए मतलब इसमें पूरा पाइपलाइन लगा हुआ है, एयर प्रेशर के थ्रू जो है ग्रीस स्प्रे होता है। आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें और चीज़ें दिखाई जाएंगी, ठीक है।